हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू SVS इंग्लिश क्लासेस। वी आर हेयर टू स्टडी वीडियो नंबर 3 फ्रॉम द लेसन माय चाइल्डहुड, रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन नाम के लेसन की ये तीसरी वीडियो है। और तीसरी वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा वीडियो नंबर 2 के एंड में चलते हैं। जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने बचपन की बातों को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि मैंने ईमानदारी और आत्मअनुशासन अपने पिता से सीखा, पिता से ग्रहण किया, और अपनी माता से भलाई में विश्वास और गहन दयालुता का विरासत के रूप में ग्रहण किया, ठीक उसी प्रकार से APJ अब्दुल कलाम के तीनों भाइयों बहनों ने भी आत्मअनुशासन, ईमानदारी, भलाई में विश्वास और गहन दयालुता के गुणों को ग्रहण किया। तो आइए शुरू करते हैं इससे आगे। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामनाथा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, मेरे 3 घनिष्ठ मित्र थे। क्लोज मीन्स घनिष्ठ या निकटतम या पक्के, जिसे हम कहते हैं लंगोटिया यार। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में रामनाथा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामनाथा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन नाम के APJ अब्दुल कलाम के बचपन के 3 पक्के मित्र थे, दोस्त थे। All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. ये सभी लड़के were from the orthodox, orthodox कहते हैं रूढ़िवादी, अंधविश्वासी, अंधविश्वास करने वाले लोगों को रूढ़िवादी या अंधविश्वासी कहा जाता है। हिंदू ब्राह्मण families, ये सभी लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट अवर सेल्व्स बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस डिफरेंसेज एंड अपब्रिंगिंग। एज चिल्ड्रेन, बच्चों के रूप में, नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, फेल्ट महसूस करता था, एनी डिफरेंस कोई भी अंतर, कोई भी मतभेद, अमंगेस्ट आवर सेल्व्स आपस में, बिकॉज ऑफ के कारण, अवर रिलीजियस अपने धार्मिक डिफरेंसेस मतभेद या अंतर, एंड अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग कहते हैं पालन पोषण। बच्चों के रूप में धार्मिक मतभेद और पालन पोषण के कारण हम में से कोई भी आपस में कोई मतभेद महसूस नहीं करता था। इनफैक्ट रामनाथा शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाइएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। आगे APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, इनफैक्ट वस्तुतः, वास्तव में रामनाथा शास्त्री वाज द सन, पुत्र थे, ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। वास्तव में रामनाथा शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे, बेटे थे,
और ये लक्ष्मण पक्षी, लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? द हाई प्रीस्ट, उच्च पुरोहित, उच्च पुजारी ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। वास्तव में रामनाथा शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे या बेटे थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। लेटर बाद में ही टुक ओवर, उन्होंने ग्रहण किया द प्रीस्टहुड पुजारित्व ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर का पुजारित्व उन्होंने ग्रहण किया फ्रॉम हिज फादर अपने पिता से। यानी कि रामनाथा शास्त्री के पिताजी ने अपने पुत्र को रामेश्वरम मंदिर का जो पुजारित्व था वो दे दिया और रामनाथा शास्त्री ने उस पुजारित्व को ग्रहण किया रामेश्वरम मंदिर के। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम के पहले दोस्त थे, पक्के मित्र थे, उनमें से एक तो रामेश्वरम मंदिर का पुजारी बना। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और जो एपीजे अब्दुल कलाम का दूसरा पक्का मित्र था, दोस्त था अरविंदन, वेंट इनटू द बिजनेस, व्यवसाय शुरू किया, बिजनेस मीन्स व्यवसाय या व्यापार शुरू किया ऑफ अरेंजिंग, व्यवस्थित करने का, बंदोबस्त करने का ट्रांसपोर्ट, यातायात फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। विजिटिंग पिलग्रिम्स मीन्स आगंतुक तीर्थयात्रियों के लिए। अरविंदन ने आगंतुक तीर्थयात्रियों के लिए वाहन की व्यवस्था का व्यवसाय शुरू किया। एंड शिव प्रकाशन बीकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और जो एपीजे अब्दुल कलाम का तीसरा पक्का दोस्त था शिव प्रकाशन, उसने बीकेम, शिव प्रकाशन हो गया एक कैटरिंग, भोजन की व्यवस्था करने वाला कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार फॉर द सदर्न रेलवेज, दक्षिण रेलवे विभाग में भोजन की व्यवस्था करने का ठेकेदार बन गया शिव प्रकाशन। तो इस प्रकार से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पढ़ाई के समय के तीन पक्के मित्र अलग अलग व्यवसायों में गए, जो उच्च विभागों में उन्होंने काम किया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू अरेंज टू द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्था विच वॉज नियर अवर हाउस। आगे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, ड्यूरिंग द एनुअल श्री राम सीता राम कल्याणम सेरेमनी, यानी कि श्री सीता राम कल्याणम अनुष्ठान के वार्षिक अनुष्ठान के दौरान अवर फैमिली, हमारा परिवार यूज टू अरेंज, व्यवस्था किया करता था बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक विशेष मंच वाली नावों को, यानी कि ऐसी नावों का बंदोबस्त करते थे, अरेंजमेंट करते थे, व्यवस्था करते थे जिसमें एक विशेष प्रकार का मंच या चबूतरा बना होता था फॉर कैरिंग, ले जाने के लिए आइडल्स, मूर्तियां ऑफ द लॉर्ड, भगवान की।
फ्रॉम द टेम्पल मंदिर से टू द मैरिज साइट विवाह स्थल तक, सिचुएटेड इन द मिडिल जो विवाह का स्थल स्थित था या बसा हुआ था, इन द मिडिल बीच में, ऑफ द पॉन्ड तालाब के, कॉल्ड राम तीर्थ जो राम तीर्थ नाम के तालाब के बीच में स्थित था, विच वॉज नियर अवर हाउस जो हमारे घर के समीप था, यानी कि वह तालाब जो विवाह का स्थल था जिसे राम तीर्थ कहा जाता था, APJ अब्दुल कलाम के घर के निकट था और वहाँ तक उस विवाह स्थल तक मंदिर से भगवान की मूर्तियों को लाने का बंदोबस्त APJ अब्दुल कलाम के परिवार के द्वारा विशेष मंच वाली नावों के द्वारा किया जाता था। ये चित्र है उस कार्यक्रम का, ये नाव यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये नाव है जो APJ अब्दुल कलाम के पिताजी और उनके परिवार के द्वारा व्यवस्थित की जाती थी। यहाँ पर ये कार्यक्रम है दिखाया जा रहा है। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माय मदर एंड ग्रैंडफादर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन अवर फैमिली। इवेंट्स घटनाएं फ्रॉम द रामायण की एंड फ्रॉम द लाइफ जीवन से, ऑफ द प्रॉफेट पैगंबर के जीवन की और रामायण की घटनाओं को, वर द बेड टाइम स्टोरीज बेड टाइम सोते समय सुनाने की कहानियां होती थी, यानी कि सोते समय रामायण से और पैगंबर के जीवन की घटनाओं की कहानियाँ सुनाई जाती थी। माय मदर एंड ग्रैंडफादर मेरी माँ और मेरे दादा वुड टेल दी चिल्ड्रन बच्चों को सुनाया करते थे, इन अवर फैमिली अपने परिवार में मेरी माता और मेरे दादा बच्चों को रामायण और पैगंबर के जीवन की घटनाओं को या घटनाओं की कहानियां सुनाया करते थे। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, ए न्यू टीचर केम टू अवर क्लास। वन डे एक दिन, व्हेन आई वाज जब मैं था, इन द 5th स्टैंडर्ड पांचवी कक्षा में, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में, एलिमेंट्री स्कूल प्राथमिक विद्यालय, तो तब क्या हुआ, ए न्यू टीचर एक नए अध्यापक केम टू अवर क्लास हमारी कक्षा में आए। एक दिन जब मैं कक्षा 5 में रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा था तो हमारी कक्षा में एक नए अध्यापक आए। आई यूज टू वेयर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम। आई यूज टू वेयर मैं पहना करता था, ए कैप एक टोपी, मैं एक टोपी पहना करता था, इस बात को कलाम जी कहते हैं अपनी आत्मकथा में। विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम जो मुझे मुस्लिम के रूप में दर्शाती थी। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामनाथ शास्त्री हु वोर द सैक्रेड थ्रेड। आई ऑलवेज सैट मैं हमेशा बैठता था इन द फ्रंट रो आगे की पंक्ति में, नेक्स्ट टू बगल में या समीप रामनाथा शास्त्री के, मैं हमेशा अगले पंक्ति में रामनाथा शास्त्री के
पास बैठता था हु वोर द सैक्रेट थ्रेड, जो एक पवित्र धागा पहने रहते थे। पवित्र धागा अर्थात जनेऊ, यानी कि रामलता शास्त्री जो जनेऊ पहनते थे की बगल में के पास प्रथम पंक्ति में अगली पंक्ति में मैं हमेशा बैठता था। देखिए क्लास का दृश्य है, ये नए टीचर हैं और यहाँ बीच में ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब फिफ्थ क्लास में पढ़ रहे होते हैं किस तरह से प्रथम पंक्ति में रामलता शास्त्री के पास में बैठे हुए हैं। जब नए अध्यापक ने APJ अब्दुल कलाम को रामलता शास्त्री जो जनेऊधारी थे के पास बैठे हुए देखा तो उससे आगे क्या प्रतिक्रिया होती है, आइए स्टडी करते हैं। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक ए हिंदू प्रीस्ट्स सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। जब उस नए टीचर ने एक मुस्लिम लड़के को एक ब्राह्मण बालक के पास बैठा हुआ देखा तो क्या होता है, द न्यू टीचर नया अध्यापक कुड नॉट स्टमक। स्टमक में वैसे स्टूडेंट्स पेट को कहते हैं, कहते हैं भाई ऐसी बात कोई हजम नहीं होती है, मतलब रोक नहीं पाता है। तो यह स्टमक का मीनिंग टॉलरेट, सहन करना। तो वह नया अध्यापक सहन नहीं कर सका, ए हिंदू प्रीस्ट सन एक हिंदू पुजारी के पुत्र को सिटिंग बैठे हुए विद ए मुस्लिम बॉय, एक मुस्लिम लड़के के साथ। लेकिन नया अध्यापक एक पुजारी के लड़के को मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ देख करके सहन नहीं कर सका। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सा इट, इन अकॉर्डेंस विद के अनुसार आवर सोशल रैंकिंग हमारे सामाजिक स्तर के अनुसार एज द न्यू टीचर जैसा कि नए अध्यापक ने सा इट देखा, नए अध्यापक ने देखा हमारे सामाजिक स्तर के अनुसार, जैसे ही नए अध्यापक ने देखा इस बात को कि एक मुस्लिम लड़का एक पुजारी लड़के के पास में बैठा हुआ है क्या हुआ, आई वॉज आस्क्ड टू गो, मुझसे जाने के लिए कहा गया, एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और पीछे की बेंच पर, पीछे की कतार, पीछे की पंक्ति की बेंच पर बैठने के लिए कहा गया, मुझसे पीछे की बेंच पर जा कर के बैठने के लिए कहा गया। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बड़ा दुख हुआ, एंड सो डिड रामलता शास्त्री, और उतना ही दुख रामलता शास्त्री को हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, ही लुक्ड वह दिखाई दे रहा था, अटरली मीन्स पूर्ण रूप से, कम्प्लीटली, डाउनकास्ट दुखी, एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, एज आई शिफ्टेड जब मैंने स्थान बदला, मैंने स्थान बदला या स्थानांतरित मैं हुआ, टू माई सीट अपनी सीट पर, इन द लास्ट रो अंतिम पंक्ति की, जब मैं अंतिम पंक्ति की सीट पर जा करके बैठा तो रामलता शास्त्री को बड़ा दुख हुआ, वह बड़ा दुखी दिखाई दे रहा था। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, द इमेज चित्र ऑफ हिम उसका, वीपिंग रोने का, उसके रोने का चित्र, व्हेन आई
शिफ्टेड टू द लास्ट रो। जब मैं आगे की सीट से उठकर के पीछे की सीट पर जाकर के बैठा तो उसके रोने के चित्र ने लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, मेरे ऊपर, लेफ्ट मीन्स छोड़ा, ए लास्टिंग, लास्टिंग मीन्स स्थाई, इम्प्रेशन मीन्स प्रभाव, ऑन मी, मेरे ऊपर। रामलता शास्त्री के रोने के चित्र ने जब मैं उठ करके पीछे अंतिम पंक्ति की सीट पर जाकर के बैठा तो मेरे ऊपर उसके रोने के चित्र का स्थाई प्रभाव पड़ा। दोनों में कितनी गहन दोस्ती थी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर हम आपको मिलेंगे इसी लेसन की वीडियो नंबर 4 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।